सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर सेकंड लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज पर अवर सिलेबस, सो दैट इज ऑन कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, सिलेबस डिस्कशन एंड लेक्चर प्लान। सो इन डिटेल वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री कंटेंट्स। So first of all, we would like to know what are the course objectives of automobile engineering. So the first objective of this course is to develop a basic knowledge about old, existing and future automobile and their parts. So jitne bhi hamare paas automobiles aaj se pehle aate the unke bare mein, jo present automobiles hain unke bare mein aur future mein jo automobiles hain aur unke jo parts hain uski basic knowledge lena. Second is to apply various engineering principles to automobile design and application. तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो ऑटोमोबाइल डिज़ाइन से रिलेटेड हैं या उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, वी शुड नो अबाउट देम। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू गेट फैमिलियराइज विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड टर्मिनोलॉजी। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उससे हमें उसको समझना है और उससे फैमिलियर होना है। फोर्थ इज टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है या उसके जो भी आउटरीच होती है उसके बारे में समझना और उनको हम कैसे टैगल करेंगे, लाइक पॉल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एंड द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न अबाउट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अदर रेगुलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्ल्ड एंड इंडिया। तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वर्ल्ड वाइड क्या बने हुए हैं और इंडिया में कौन कौन से सेफ्टी नॉर्म्स आज की डेट में एप्लीकेबल हैं उनके बारे में जानकारी लेना इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स में काउंट होगा। नाउ लेट्स मूव टू सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो था इंट्रोडक्शन, दैट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, मतलब हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है वो हमने कल डिटेल में डिस्कस किए थे। इसके स्कोप्स क्या हैं, हमने कल बात करी थी कि हम आगे पढ़ाई में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, आगे हम लोग यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें वहाँ पे ऑटोमोबाइल कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लस R&D सेक्शन में हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और यदि हम जॉब्स के बारे में बात करें तो भी हमारे पास काफी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर हम ऑटोमोबाइल के बाद अपना स्कोप देख सकते हैं। देन आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स, तो आज हम उस बारे में शॉर्ट में बात करते हैं कि आउटकम्स क्या रहेंगे इस कोर्स के, इसको पढ़ने के बाद हमको क्या क्या चीजें पता लगेगी। तो आपका जैसा सिलेबस डिजाइन किया है आपके सामने है, यू कैन सी यूनिट सेकेंड। तो जो यूनिट सेकंड है आपका, इसके अंदर में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेम एंड बॉडीज, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑटोमोबाइल का, भले ही वो स्मॉल सेगमेंट कार्स हो या फिर हैवी व्हीकल्स हो, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इन फ्रेम एंड बॉडी यू विल स्टडी अबाउट द लेआउट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स और उनका कंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, उनके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या होते हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट इज क्लचेस, तो क्लच कैसे काम करता है, किन किन टाइप्स के क्लचेस होते हैं, इसकी जरूरत क्या है, और इस सिलेबस के अलावा हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा नया जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ है ब्रेक्स, तो जिनने थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल पढ़ रखा है दे बेटर नो कि प्रिंसिपली दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्लच और ब्रेक बिल्कुल उनका वर्किंग अपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो दोनों का ही सेम है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेक्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्लस ब्रेक मटेरियल हम कौन कौन सा लेते हैं, दैट विल बी कवर इन अवर सेकंड यूनिट। देन वी कम्स टू अवर थर्ड यूनिट, जो थर्ड यूनिट है इट इज ऑल अबाउट गियर ट्रेन्स। तो गियर ट्रेन में हम देखेंगे कि गियर बॉक्सेस जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, स्लाइडिंग टाइप, कॉन्स्टेंट मैश टाइप, सिंक्रोनस मैश, उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक टॉर्क ट्यूब कन्वर्टर, ये सारे हम लोग कवर करेंगे गियर बॉक्सेस के अंदर में। देन वी हैव ड्राइव्स, तो ड्राइव्स के अंदर में हम लोग देखेंगे ओवर ड्राइव क्या होता है और पूरी जो लाइन है आपके पास ड्राइविंग लाइन जो कि शुरू होती है आपकी इंजन से और एंड में व्हील्स तक जाती है, तो ये हम लोग पूरी कवर करेंगे ड्राइव्स के अंदर में। इसके अंदर में सारी चीजें हम देखेंगे, प्रोपेलर शाफ्ट देखेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, रेयर एक्सेल, हॉजकिस और टॉर्क ट्यूब ड्राइव में क्या अंतर है, दोनों का वर्किंग कैसा है, और रेयर एक्सेल टाइप, फ्रंट व्हील एंड ऑल व्हील ड्राइव यानी फोर व्हील ड्राइव जिसको हम लोग गाड़ियों में लिखा हुआ देखते हैं, ये हमारा थर्ड यूनिट का कंटेंट रहेगा। फोर्थ यूनिट जो रहेगी वो रहेगी आपके पास व्हील एंड टायर्स, तो डिफरेंट टाइप्स के व्हील होते हैं और टायर्स हम लोग यूज करते हैं, डिपेंड करता है उनका एप्लीकेशन कैसा है, उसी के हिसाब से हम लोग उनका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पढ़ेंगे,
उनके अंदर वियरिंग क्यों होती है, उनके क्या क्या कारण है और उससे कैसे बच सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ वियर्स एंड देयर कॉजेस. और जब टायर पुराना हो जाता है, ट्रक्स और बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें हम पूरा टायर चेंज नहीं करते हैं, वी विल डू रिट्रेडिंग ऑफ टायर, यानी उसके ऊपर का जो ट्रेड है वो घिस जाता है, उसको हम कैसे रिट्रेड कर सकते हैं, वी विल कम टू नो अबाउट दैट. देन फोर्थ यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है वो है स्टीयरिंग सिस्टम. सो स्टीयरिंग ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स. कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए गाड़ी की डायरेक्शन को, तो हमारे पास स्टीयरिंग कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उनको इजी बनाने के लिए हम लोग गियर सिस्टम यूज करते हैं. स्टीयरिंग में भी गियर होता है तो उसको हम स्टीयरिंग गियर बॉक्स बोलते हैं. बहुत तरीके के गियर्स आते हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और उनके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे स्टीयरिंग के. ठीक है, उसके बाद जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है. इससे गाड़ी पूरी कंट्रोल होती है और किस डायरेक्शन में जाएगी. हम लोगों को स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है गाड़ी को टर्न लेते वक्त, उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और ये सब चीज़ें हमारे पास कवर होंगी स्टीयरिंग ज्योमेट्री में, जिसमें आएंगे इफेक्ट ऑफ कैम्बर, कैस्टर, किंग पिन इंक्लिनेशन, टो इन टो आउट, पावर स्टीयरिंग और इंटीग्रल पार्ट्स जो हैं वो भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. और फोर्थ यूनिट का जो लास्ट पार्ट है वो है सस्पेंशन सिस्टम. सस्पेंशन सिस्टम का मतलब हो गया कि हमारे पास अलग अलग तरीके के सस्पेंशन होते हैं, डिपेंड अगेन करता है कि लोड कितना है गाड़ी को. सो सस्पेंशन सिस्टम में आप लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है आप सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए प्लेन रोड के लिए सस्पेंशन डिजाइन कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली कम कैपेसिटी का जो सस्पेंशन है वो भी आप यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं. लेकिन यदि हैवी व्हीकल है तो आपको उसी हिसाब से टॉर्जनल स्प्रिंग पे जाना पड़ेगा या फिर आपको लीफ स्प्रिंग पे जाना पड़ेगा. इसी तरीके से यदि उबड़ खाबड़ रास्ता है लाइक ऑल टेरेन व्हीकल्स जिसमें बनते हैं उसके अंदर में फिर हम लोग विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम यूज करते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग बाइक्स में हम लोग शॉक एब्जॉर्बर यूज कर सकते हैं. तो ये हम लोग फोर्थ यूनिट में कवर करेंगे. देन इन फिफ्थ यूनिट ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम. इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक जो भी वायरिंग है या बैटरी है जहां से चार्ज बनता है और वहां पर चार्ज स्टोर होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. चार्ज बनाने के लिए हम लोग डायनोमीटर यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं, उसको हम कैसे बैटरी तक लेके जाएंगे, बैटरी से फिर किस तरह से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन हम कैसे देते हैं वो हम देखेंगे. स्टार्टर मोटर कैसे काम करती है, उसका कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है, टाइप्स ऑफ ड्राइव्स कौन कौन सी है हमारे पास, अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन, रेगुलेटर जो हमारे लगे हुए हैं और रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं हम, क्योंकि पल्सेस जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी में तो हम उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट के फर्स्ट पार्ट में. एंड सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इग्निशन सिस्टम. तो इग्निशन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिससे कि हम गाड़ी को इग्नाइट करते हैं. इग्नाइट जब हम फ्यूल को बर्न करने की बात करते हैं तो हमें इग्निशन देना पड़ता है, तो वो उसके लिए पूरा एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इग्निशन सिस्टम. और वो ऑपरेट होता है बेसिकली आपकी बैटरी से. तो इसमें हम दो टाइप के पढ़ेंगे, मैग्नेटो एंड कॉयल इग्निशन सिस्टम, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो क्यों लगाए हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. इसके अलावा हम देखेंगे ऑटोमोटिव लाइटिंग जो है, हम लोग लाइट्स का अरेंजमेंट रखते हैं और उसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कह लीजिए या फिर सिस्टम कह लीजिए वो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि हेडलैम्प्स हमारे होते हैं गाड़ियों में वो किस तरह के होते हैं. इसमें ये सिलेबस थोड़ा सा पुराना है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नई भी चीज़ों को हम टच करेंगे कि हेडलैम्प्स में क्या क्या एडवांसमेंट्स आ गया है. डे लाइट आजकल आपने सबने DRL का नाम सुना होगा, वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं. इलेक्ट्रिक हॉर्न्स हैं, पहले कैसे आते थे अब कौन से टाइप के आने लगे हैं. फ्यूल लेवल इंडिकेटर्स हैं, वो भी आजकल पहले एनालॉग आते थे आजकल डिजिटल आने लग गए हैं. तो वी विल स्टडी दिस पार्ट इन अवर यूनिट फिफ्थ. देन द लास्ट यूनिट इज सिक्स्थ यूनिट दैट इज ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग. ऑल्दो लगभग सारे आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल आ रहे हैं सभी एयर कंडीशन सब में फिटेड आ रहा है. और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, उनमें भी कुछ सिस्टम ऐसे हैं, कुछ व्हीकल ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को एक्स्ट्रा एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है. लाइक जो दूध लेके जाते हैं मिल्क कैरियर्स हैं या फिर फ्रूट्स लेके जाते हैं, इस तरह के जो गाड़ियां होती हैं उनको भी हमें एयर कंडीशन प्रोवाइड कराना पड़ता है. तो वो किस तरह से काम करता है, वैसे आप लोगों का एक सब्जेक्ट है RAC, आई डोंट नो कि आप लोगों ने शायद पढ़ लिया या नहीं पढ़ा अभी. तो RAC में आपने यही सिस्टम पढ़ रखा है, इसी को हम पढ़ेंगे दोबारा से लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट विद ऑटोमोबाइल. ठीक है, तो हम लोग लोड कैसे निकालेंगे, ऑटोमोबाइल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है एयर कंडीशन से रिलेटेड वो हम देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स में और उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे फाइल फॉर डायग्नोसिस के थ्रू वो हम देखेंगे. और रेफ्रिजरेंट्स में किस तरह से चेंजेस आए हैं, लाइक रेफ्रिजरेंट जो पहले यूज होते थे, लाइक आप सबने R22 सुन रखा होगा,
या फिर R12 सुन रखा होगा, बट बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने बहुत सारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया है और एडवांस हम लोगों के पास रेफ्रिजरेंट्स आ गए हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। सिक्स यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है रिलेटेड टू सेफ्टी। मैं हर बार हर साल इस क्लास में इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ कि थोड़ा सा इस और देखिए, बिकॉज एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न वी कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दिस। तो ऐसा नहीं है कि सेफ्टी पहले नहीं रखी जाती थी, पहले भी ऑटोमोबाइल में सेफ्टी रखते थे, बट उसका एक्सटेंट बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था। उसके पीछे दो तीन कारण थे। एक कारण तो इम्पोर्टेंट ये था कि हमारी रिसर्च भी इतनी नहीं थी कि हम बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकें। तो सेफ्टी पर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, हर साल करते हैं, क्योंकि इसके पीछे दो कारण मैंने आपको बताया। एक तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना था नहीं पुराने टाइम में, और धीरे धीरे सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दूसरा जो कारण था, पहले सेफ्टी नहीं इतनी ज़्यादा इंडिया में थी, उसका कारण एक ये था कि उससे रेट बढ़ जाती है गाड़ी की। तो ऐसा नहीं है कि एयरबैग आज ही आए हैं या आज के दो तीन साल पहले आए हैं, काफ़ी टाइम पहले आ चुके थे लेकिन हर गाड़ी में नहीं आते थे। इसी तरह से ABS की हम बात करें, EBD की बात करें, तो ये ऐसा नहीं है कुछ नई टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी टाइम से आ रही हैं और पहले ये सिर्फ लग्जरी कार्स के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कंपलसरी पार्ट में गिना जाने लगा है, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। और आप सबने शायद अभी कोरोना एरा में ये देखा होगा या पढ़ा होगा कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे हर महीने एक्सीडेंट्स में लोग मारे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पे हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा वाइड स्कोप है। यदि आप मान लीजिए आज की डेट में सेफ्टी को रिलेटेड कोई भी R&D करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो नो डाउट आपका काम बहुत आगे जा सकता है, आपको बहुत अच्छे स्कोप्स डेवलप हो सकते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट में। तो सेफ्टी पर अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं सेफ्टी के नाम पर। तो बहुत बड़ा फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है और डिमांडिंग फील्ड है। तो आप में से जितने लोग भी चाहें उसके ऊपर में कंसंट्रेट कर सकते हैं। ऑल्दो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, लेट मी रीड आउट व्हाट सेफ्टी फीचर्स वी हैव इन दिस। वी हैव एयरबैग्स, वी हैव बेल्ट सेफ्टी, देन रेडियो रेंजिंग। रेडियो रेंजिंग है हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड। देन वी हैव नाइट विजन सिस्टम जिसको हम NVS भी बोलते हैं। सिमिलरली वी हैव ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जिसको हम GPS बोलते हैं, जो आप लोग मोबाइल फोन्स में भी यूज़ करते हैं, इससे भी हम लोग गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं। और तो आप नोटिस करिएगा अब आप कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, आपका GPS लगातार ट्रैक करके आपको आपकी स्पीड भी बता सकता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि गवर्नमेंट आपकी स्पीड को लिमिट रखने के लिए आपकी GPS को यूज़ करें और ये देखिए कि आप किस स्पीड में चल रहे हैं। इसी तरह से आप यदि कोई टोल पार करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में RFID कार्ड्स ना रह करके GPS से आप जो भी कोई टोल क्रॉस करते हैं वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली टोल कट सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं और AI के साथ जोड़ के हम लोग इसको बहुत सारे आगे फ्यूचर एस्पेक्ट देख सकते हैं। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। सो इट्स ऑल अबाउट योर दिस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू विच कम्स अंडर योर आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये फर्स्ट जो चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट था। There are two books, one is P.S. Gill and one is Kripal Singh. मैं भी आपको कंटेंट शेयर करता रहूँगा। Now you can see the lecture plan. So overall this subject is divided into 36 lectures. So here is unit 1 which contains 8 lectures. Then we have unit 2 for which we need again 8 lectures. So total 16 lectures will be there till the end of second unit. Then in third unit, it's a big unit, so we need around 10 lectures. So from 16 to 26 we need over here. So third unit will be complete in 10 lectures. Then we need approximately 6 lectures in unit 4. And last unit, for safety we required approximately 4 lectures. So total 36 lecture plan is over here. You have any further queries, you can ask me in comments or during online class sessions. Thank you so much.